आपके सामने स्टफ्ड पराठा लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए हमने 2 कटोरी आटा, 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच ज्वार का आटा डाला है, मिक्स किया है। और अब इसके कारण क्या है, स्टफ्ड पराठे सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। इसमें थोड़ी सी अजवाइन जरूर मिलाएं। ये देख रहे हैं हमने आप किस तरह से मिक्स किया है। अब हम इस आटे को गूंथेंगे। आटा नरम गूंथेगा, हार्ड आटा नहीं रहना चाहिए। आटा गूंथा है हमने और उसके अब इसी से हम स्टफ्ड पराठे बनाएंगे। लौंग डाल के और स्टफ्ड पराठों के लिए इसमें मोइन जरूर डालेगा। स्टफ्ड पराठे हम मूंग की दाल के, तली हुई मूंग की दाल, चाहे तो आप हल्दीराम की ले लें या किसी और कंपनी की ले लें 420 की, उसको उसकी स्टफिंग करके उसमें अगर अच्छा कि थोड़ा सा प्याज काट के आप डालें बारीक बारीक, और हो सके तो हरा धनिया या पार्सले भी आप डाल सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल के स्टफ्ड पराठे। देखिए पराठे में अंदर थोड़ा सा ड्रेसिंग करना चाहिए घी लगा के। ये मूंग की दाल की स्टफिंग हमने कर दी है। इसको बेलन से हल्के हाथ से पीटिएगा। अच्छी क्रंची आवाज आ रही है मूंग की दाल की। मूंग तो कटा हुआ आप खा लो तुरंत। तवे को भी ये भी ग्रीसिंग करना जरूरी है, अदरवाइज ये चिपक जाएगा। ये हल्का ब्राउन होने लगा पराठा, एक दूसरा पराठा तैयार हो रहा है। देखिए इसको एक बार ट्राई जरूर करें, आपका सुबह का नाश्ता काफ़ी टेस्टी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ब्राउन गया है, घी या तेल से ड्रेसिंग कर सकते हैं, इसकी खोल सकते हैं। ये आपका क्रिस्पी पराठा तैयार है। काफी क्रंची भी हो चुका है, घी लगाएंगे। घी लगाइए या मक्खन लगाइए, आप जो चाहे आपको जो पसंद हो, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दूसरा पार्ट तैयार हो गया।
थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे आप सेकेंगे तो ये काफ़ी अच्छा बन पड़ेगा, अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा, जो कि आपको उसको ग्रीसिंग कर रहे हैं घी से। आपके सामने मूंग दाल का क्रंची पराठा, इसकी स्टफिंग आपको सामने दिख रही है। आप चाहें तो किसी और नमकीन को भी इसकी जगह ट्राई कर सकते हैं, और हो सके तो अगर आपको लगता है और टेस्टी बनाना है तो इसमें आप हल्का बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। इसकी पराठा बनाया हमने आपके सामने, इसको ओपन करके देखिए, इसकी स्टफिंग देखिए, ये देखिए दही के साथ। इसको आप दही के साथ और टमाटो सॉस के साथ सर्व करें, या आपकी मनपसंद कोई भी चटनी बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं।